करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। इसका मतलब है कि निरंतर अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति, एक जड़ व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। जैसे कि कुएं की मुंडेर जो होती है, उसके ऊपर जो पत्थर की जो सिल जो होती है, उस पर जब रस्सी बार बार आती जाती है, जब पानी खींचा जाता है और रस्सी बार बार उसके ऊपर से चलती है, आती जाती है, तो उस मुलायम सी रस्सी से उस कठोर पत्थर की सिल के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी तरह से अगर एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जिसके अंदर टैलेंट नहीं है, कला नहीं है, लेकिन उसके अंदर डेडिकेशन है, कमिटमेंट है और वो प्रैक्टिस करता है, तो वो अपने अंदर टैलेंट और काबिलियत पैदा कर सकता है। वही एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर टैलेंट है बट कमिटमेंट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करता है, कोई डेडिकेशन नहीं है, तो ऐसे आदमी का टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जितने भी जो वीडियोस मैंने डाले हैं, जो वीडियोस हमने एक्सरसाइज के या टिप्स में जो भी डाले हैं, तो उसमें जो भी एक्सरसाइज है वो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रैक्टिस जब करेंगे तभी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि एक्टिंग जो है एक परफॉर्मिंग आर्ट है और परफॉर्मेंस में जो परफेक्शन आती है वो प्रैक्टिस से आती है, और प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। ये एक बार का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जब डे बाई डे जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक दो बार में फर्क नहीं दिखता है। आप एक ही चीज को 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार जब रिपीट करते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम जो होता है और जो लास्ट 100 टाइम है, 100वीं बार जो आपने किया है, उसमें जब आप कंपेयर करेंगे तो वो फर्क महसूस होता है, जमीन आसमान का फर्क उसमें दिखता है। वहीं पहली दूसरी प्रैक्टिस में नहीं दिखता है, लेकिन हर बार पहले से बेहतर होती हैं चीजें। प्रैक्टिस से क्या फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये लड़का राज, ये मेरे पास आया, तो सर मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और मुझे भी एक्टिंग करना है, काम करना है और मैं सीखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुमने जो एक्सरसाइज देखी हैं, कितना क्या समझ में आया, तुम उसके हिसाब से मुझे कुछ करके दिखाओ। तो मैंने कहा कुछ करके दिखा सकते हो? बोले हाँ मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है कुछ करके दिखाओ। तो बोला ठीक है सर, वो जो आपकी एक एक्सरसाइज है मुर्गी का अंडा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसने किया, परफॉर्म करना चालू किया, तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड वो उसको कैमरे के सामने खींच पाया। और उसने क्या किया, कैसा किया, ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए एक्शन। मुर्गी का अंडा। तो जब उसने ये एक्सरसाइज की, आपने भी देखा उसने क्या किया और कैसा किया, और जब उसने ये एक्सरसाइज मुझे करके दिखाई, तो सबसे पहला रिएक्शन मेरा यही था कि तुमने ये एक्सरसाइज सिर्फ देखी है, प्रैक्टिस एक भी बार नहीं की। बोला हाँ सर मैंने नहीं की प्रैक्टिस। और मैंने कहा देखो प्रैक्टिस किए बिना कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि वीडियोज तुमको फ्री में अवेलेबल है, तुम प्रैक्टिस करो नहीं करो, सीखो नहीं सीखो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तुम अगर मेरे पास आते हो, मेरे पास सीखते हो, तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि तुम ये नहीं कहोगे कि नहीं मेरी गलती है या मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तुम यही कहोगे नहीं मैंने इनके पास आया, मैंने सीखा और मुझसे नहीं हुआ। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो तुम एक काम करो, जितनी एक्सरसाइज है इसमें तुम जाओ प्रैक्टिस करो, दोबारा आओ, और मुझे लगना चाहिए कि फर्क है। अगर नेक्स्ट टाइम तुम आते हो, मुझे कुछ करके दिखाते हो, मुझे फर्क दिखेगा, तो फिर मैं तुमको आगे बताऊंगा। मैंने उसे भेज दिया, मैंने कहा ठीक है तुम अभी जाओ प्रैक्टिस करो। और करीब 10-15 दिन के बाद फिर मेरे पास आया, बस सर मैं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ बट मुझे सीखना है और मेरी कुछ प्रॉब्लम है, बट आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तो मैंने कहा
पहली कंडीशन मेरी यही है कि ये जो एक्सरसाइज है जैसे है मैं तुम्हें ऐसे ही बताऊंगा, बट प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है लेकिन प्रैक्टिस तुमको करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा शुरू करने से पहले एक बार और कैमरा फिक्स करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है तुम एक काम करो, अपना एक इंट्रोडक्शन मुझे कैमरे के सामने दो। तो उसने क्या इंट्रोडक्शन दिया, कैसा इंट्रोडक्शन दिया आप? एक्शन। माय नेम इज राज अग्रवाल, आई एम फ्रॉम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम जयपुर। राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू लर्निंग अबाउट एक्टिंग। तो देखा आपने ये इंट्रोडक्शन कैसा था। जब ये इंट्रोडक्शन मैंने देखा तो मुझे टेंशन हो गई। टेंशन ये कि यार पहले भी एक्सरसाइज जब इसने परफॉर्म की कुछ नहीं कर पाया, फिर अभी तो मैंने इसे सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला और ये हाल के 15 सेकंड भी खड़े होना मुश्किल है, तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी वो एक टेंशन हो गई कि नहीं यार अगर ये मेरे पास आता है सीखता है और अगर नहीं कर पाया तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो मेरी कंडीशन मैंने सबसे पहले यही रखी उसके सामने कि जैसा मैं बताऊंगा यहाँ पे वैसा तुमको प्रैक्टिस करना है और मुझे फर्क दिखना चाहिए। सपोज एक एक्सरसाइज मैंने तुम्हें बताई, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम एक दिन में करते हो, दो दिन में करते हो, 10 दिन में करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट होना चाहिए, मुझे फर्क दिखना चाहिए। और हमें जब मुझे फर्क दिखेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बोला सर ठीक है जैसा आप बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है मैंने कहा शुरू करते हैं। तो फिर हमने फिर यहाँ पे अपना ट्रेनिंग चालू किया और शुरू करने के बाद धीरे 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 फर्क दिखना शुरू हुआ। और 20 दिन के बाद, करीब 20-22 दिन के बाद हमने एक छोटा सा सीन शूट किया, एक इम्प्रोवाइजेशन दे के मैंने एक सिचुएशन दी और इम्प्रोवाइजेशन हमने शूट किया। तो आप देखो कितना फर्क है, आप खुद देखिए। एक्शन। वो साहब आ गए। सर मेरा यकीन करिए सर, मुझे इस फेस में फंसाया जा रहा है सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस उस रास्ते से जा रहा था सर, मुझे सिर्फ फंसा। प्लीज सर मेरा यकीन करिए सर, मैंने कोई गलती, तेरा यकीन करें साले झूठ बोलता है, आपका पैर छूता है, झूठ बोलता है। सच बता क्यों किया तूने ये सब? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे फंसा रहे तुझे सर, प्लीज मेरा किन करिए सर, मैं बस उस रास्ते से जा रहा था सर। क्या करने गया था वहां पे? सर मैं गया था सब्जी लेने सर। अच्छा तो सब्जी लेने वो रास्ते से जाता तू? सर वहाँ ट्रैफिक कम रहता इसलिए सर मैं उधर से गया था। बोलता साले तेरी प्लानिंग थी तू वहां से जाएगा और ये सर, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में सर, सच बोल रहा हूँ। खूब मारा तुम्हारे को ना सर, मर गया था, मर गया था, मर गया सर, मर गया। तो ये देखा आपने, ये एक सीन मैंने सिचुएशन इसको दी थी राज को कि पुलिस लॉकअप में तुम्हें पकड़ लिया गया है और किसी झूठे केस में फंसा दिया, तो तुम्हें परफॉर्म करना है। तो आपने देखा इसने किस तरह से इम्प्रोवाइज किया, किस तरह से परफॉर्म किया। और ये हमारी 20-22 दिन की, 20-25 दिन की मेहनत है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें मैंने बहुत कुछ एफर्ट किया है, मैंने सिर्फ बताया है क्या करना है, कैसे करना है, और इसने प्रैक्टिस की है और बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत मेहनत की है, तब ये इम्प्रूवमेंट इतने दिन में दिखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 20-25 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आदमी रेगुलर करता रहे इस चीज़ को, रेगुलर प्रैक्टिस करता रहे तो आदमी कितना इम्प्रूव कर सकता है। क्योंकि एक एक्टर को मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सालों लग जाते हैं, और ऐसे ही डे बाई डे इम्प्रूव होता है, हर दिन नया करता, हर दिन प्रैक्टिस करता, हर दिन कुछ नया उसके टैलेंट में, उसके कैलिबर में ऐड होता है। इसी तरह से एक्टर मैच्योर होता है,
मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आपने ये देखा कि प्रैक्टिस से आदमी किस लेवल से किस लेवल तक आ सकता है, और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी इमोशंस एक्सप्रेशन समझने शुरू किए, अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं, बहुत पॉलिशिंग बाकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ये एक इंसान, और जब इससे मैंने पूछा कि भाई तुमने कभी कैमरा फेस किया है, कभी एक्टिंग किया है, तो सर मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, कभी अपनी लाइफ में एक्टिंग नहीं की, कभी मैंने स्टेज पे या पब्लिक के सामने कुछ बोला नहीं, कुछ परफॉर्म नहीं किया, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा आपके यहाँ आके फेस किया। तो मैंने फिर इस हिसाब से तो अगर 20 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट है तो भी बहुत है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये आप ऐसे कैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो अपने आप तो भी ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने उससे कुछ अलग से कुछ नहीं करा। ये जो एक्सरसाइज हमने अपनी YouTube में डाली है सीरीज में बॉलीवुड एक्टिंग एक्सरसाइज में, वही एक्सरसाइज उसी तरीके से मैंने कराई, बस फर्क इतना है कि वहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं होता जब आप करते हैं, और यहाँ मैंने कहाँ गलत है कहाँ सही है क्या करना है कैसे करना है वो मैंने बताया। बट लेकिन आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना शुरू करो, अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। बाद में जब कभी आप बॉम्बे आओगे काम करने के लिए, कभी हमारे साथ काम करोगे, तो इम्प्रूवमेंट या जो करेक्शन है वो तो हम करा ही लेंगे। पर ये एक्सरसाइज और ये सीरीज डालने का मेरा एक मकसद ये भी है कि हमें आर्टिस्टों की बहुत ज़रूरत है, हमें कलाकारों की बहुत ज़रूरत है, और इतने कलाकारों को हम अपने यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकते। ठीक है, हम एक बैच में 10-20-25 इतने लोगों को ही सिखा सकते हैं, इतने लोगों को ही ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म भी बनती है तो उसमें भी 30-40 एक्टर लगते हैं, एक एपिसोड एक कोई सीरियल का बनता है तो उसमें भी 40-50 एक्टर लगते हैं, एक फिल्म जब बनती है तो उसमें तो 100-200-300 सैकड़ों एक्टर उसमें लगते हैं, और इतने कलाकारों को ट्रेन करना अपने यहाँ पॉसिबल नहीं। ठीक है, कुछ हम मार्केट के एक्टर लेंगे, बट नए एक्टर भी तो हम बहुत लेंगे, बहुत हमें नए कलाकारों की बहुत ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो भी नए कलाकार हैं वो हमारे वीडियोस से सीखें, देखें, समझें, प्रैक्टिस करें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें, और फिर हमारे पास काम के लिए। तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत जो कमी रहेगी वो हम अपनी प्रैक्टिकल्स में, रिहर्सल में, या एक छोटी मोटी प्रैक्टिकल वर्कशॉप लगा के उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसमें क्या है कि भाई आपका जो कलाकार है उसका खर्चा भी नहीं होगा या मिनिमम खर्चा होगा, और हमारा भी काम निकलेगा।